नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे दाखिल खारिज के बारे में। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ऐसे में आपराधिक मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में बिहार सरकार लगातार अपने कानून में संशोधन कर रही है, जिससे कि जमीन से जुड़े मामलों के साथ ही आपराधिक मामलों में कमी आ सके। इन सब के बीच में हम सब ने एक नाम जरूर सुना होगा, दाखिल खारिज के बारे में। यह शब्द बिहार में लगभग लोगों को पता है, इसमें से आपस में भी बातचीत करते हैं, जिसमें दाखिल खारिज का जिक्र वो ज़रूर करते हैं। आज हम आपको इसी दाखिल खारिज के बारे में बताने वाले हैं। दाखिल खारिज का मतलब होता है दो लोगों के बीच में किसी संपत्ति का हस्तांतरण, जिसे सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है दाखिल खारिज, यानी कि म्यूटेशन। जब कभी आप जमीन को खरीदने के लिए जाते हैं तो यह कहा जाता है कि दाखिल खारिज जरूर करवा लेना। दाखिल खारिज करवाने के बाद ही जमीन का क्रेता यानी कि आप कानूनी रूप से उस जमीन के मालिक बनते हैं। यानी कि एक तरफ जहां जमीन दाखिल होता है, यानी कि किसी को मिलता है तो किसी से यहाँ से छूटता है, इसी पूरी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। इसके बाद जब यह राजस्व रिकॉर्ड में यह नाम जुड़ जाता है तो उस व्यक्ति के नाम से यह ज़मीन एक संपत्ति के रूप में दर्ज होती है। ये तो बात हुई ज़मीन खरीदने और बेचने की। अगर हम बात कर लें वसीयत और बैनामी की, तो इस दौरान ज़मीन का हस्तांतरण होता है। ऐसे में इन ज़मीनों का भी दाखिल खारिज होना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप इन ज़मीन के मालिक नहीं कहलाएंगे। आइए आप जानते हैं दाखिल खारिज होता कैसे है। किसी भी ज़मीन का जब दाखिल खारिज करवाना हो तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यह ज़मीन किस प्रखंड में है। इसके बाद आपको उस प्रखंड में जाकर आवेदन करना होगा। जिस समय आप आवेदन कर रहे होंगे उस समय आपको यह बताना होगा कि जिस ज़मीन की बिक्री हो रही है वह कौन है, और वह कौन है जो कि इस ज़मीन को खरीद रहा है या बेच रहा है। इन दोनों के बारे में जानकारी वहाँ पर होनी चाहिए। इन दोनों का पूरा पता उस आवेदन में दर्ज होगा। इसके साथ ही आपको उस ज़मीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी बतानी होगी, जिसमें कि ज़मीन का पूरा रकबा कितना है यह भी बताना होगा। इसके बाद आपको आपके आवेदन के साथ ही रजिस्ट्री हुई ज़मीन के दस्तावेज की एक फोटोकॉपी, उसके साथ शपथ पत्र जो कि एडवोकेट के बना होगा। इसमें दो तरह का शपथ पत्र होगा, पहला नोटरी का और दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स की घोषणा का। अब इसके बाद तहसील के द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है, जिसमें यह लिखा होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उस ज़मीन के दाखिल खारिज को लेकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह तहसील में आकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। तहसील के द्वारा दिए गए एक निश्चित समय में अगर कोई शिकायत नहीं करता है तो उस व्यक्ति के नाम से यह ज़मीन दाखिल खारिज कर दिया जाता है। अगर उस ज़मीन पर कोई विवाद है या फिर कोई आपत्ति दर्ज करता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया वहीं पे रोक दी जाती है। क्या दाखिल खारिज करना जरूरी है? ये एक अहम सवाल है, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या ज़मीन का दाखिल खारिज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़मीन खरीदने वाले के मन में तो यह होता ही है कि हमने तो ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है तो क्या दाखिल खारिज करवाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज़मीन को ख़रीदता है और वह उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाता है तो आप उस ज़मीन के कानूनी रूप से मालिक नहीं हैं। जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीदा है वह चाहे तो उस ज़मीन को फिर से बेच सकता है, तब आप परेशान में पड़ सकते हैं। इसीलिए दाखिल खारिज करवाना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपकी संपत्ति सुरक्षित आपके पास रह सके। इसके बाद आपको एक लाभ यह भी मिलेगा कि अगर आप उस जमीन को बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दाखिल खारिज करना होगा, तभी आप ज़मीन को बेच पाएंगे। तो ये दो मोटा मोटी एक तरह से कह लें कि ये एक अहम लाभ है जो कि दाखिल खारिज के हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज़मीन के ऑनलाइन दाखिल खारिज के बारे में, यानी कि कैसे हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कैसे जो है हम इसको दाखिल खारिज कर सकते हैं। आप दाखिल खारिज को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन माध्यम से, तो वहीं दूसरा आप जो है ऑफलाइन माध्यम, जिसमें कि आप प्रखंड में जाकर अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो राज्य सरकार की तरफ से ऑनलाइन दाखिल खारिज करने की भी बात कही गई है और वो सुविधा भी मुहैया करवाई गई है। biharbhumi.bihar.gov.in ये वेबसाइट है बिहार सरकार की, जिस पर जाकर आप जमीन को
अपनी जो ज़मीन है जिसे आप बेचना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं, ये दोनों प्रक्रिया दोनों तरफ से की जाती है, तो दाखिल खारिज आप वहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आपको ज़मीन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियाँ आसानी से मिल जाएगी और उसके बाद जो है आप ऑनलाइन दाखिल खारिज करवा सकते हैं। एक ये भी है कि अगर आप ऑफलाइन तरीके से अगर आप अपने प्रखंड में जाते हैं जहाँ आप दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रही तो आप किसी एडवोकेट से इसको लेकर सलाह लें, वो आपको बताएंगे, उसके बाद जो है आप इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और अपनी संपत्ति जो आपके नाम से जो खरीदी है या फिर आपको बेनामी है या फिर आपको मिला है, इन सब का दाखिल खारिज करवाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगला अगर कोई उस पर लेता टेक ओवर करने की बात करता है तब जो है यही दाखिल खारिज जो है आपको ये एक सबूत के रूप में होगा कि हमने इतने तारीख को इतने साल में ये ज़मीन जो है हमारे नाम से दाखिल खारिज हुई है और ये बिहार सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ज़मीन से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।